يعني कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम सेम पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले एक बार देख लेते कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट की थी बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था। क्या था इलेक्ट्रिक करंट? मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या था इलेक्ट्रिक करंट? मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। उसका नोटेशन था आई, देन फॉर्मूला बना था आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू का मतलब चार्ज, टी इज द टाइम। एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वॉज एम्पियर। लेकिन हमें मालूम है कि चार्ज इज गिवन बाय, चार्ज को हम कैलकुलेट करते बाय यूजिंग क्यू इक्वल्स टू एन इन टू ई। तो इसका मतलब क्या होगा? आई इक्वल्स टू बनेगा एन ई बाय टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है? आई इज इक्वल्स टू ई वी अपॉन 2 पाई आर। कितना होता है? आई इक्वल्स टू ई इंटू वी अपॉन 2 पाई आर। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली आई इक्वल्स टू ई इंटू एफ पुट कर देते हैं और हमें यहां से इलेक्ट्रिक करंट के वेरियस फॉर्मूले मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम मटेरियल डिस्कस करने वाले हैं उनके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। कुछ होते हैं कंडक्टर्स, कुछ होते हैं इंसुलेटर्स, कुछ होते हैं सेमीकंडक्टर्स। और ये 3 पार्ट में हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। उस मटेरियल के ऊपर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर ये पार्ट डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन वेरी लार्ज नंबर, मतलब एबंडेंट, तो वो बन गया कंडक्टर। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी प्रेजेंट नहीं है तो वो बनेगा इंसुलेटर। फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर है मतलब प्रेजेंट तो है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सफिशियंट नहीं है, कामच नहीं है, तो वो बनेगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, कुछ मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कुछ मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन है लेकिन कुछ काम के नहीं है? ये डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी लेवल। अब एनर्जी लेवल मतलब एनर्जी गैप। किसका एनर्जी गैप? द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो होता क्या है, देखो कंडक्टर की केस में ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। एक तो ओवरलैप करते हैं या फिर उनके बिटवीन की जो स्पेसिंग है वो एकदम नेग्लिजिबल होती है, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में थे थोड़ी भी एनर्जी गेन करके एक्साइट हो गए तो वो चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में एंड वो फ्री हो जाते हैं। इंसुलेटर की केस इसके एग्जैक्ट उल्टी है। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इनका सेपरेशन इतना लार्ज है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कितनी भी एनर्जी गेन करके जंप करने का ट्राई करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक आता ही नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वहां पे हमने डायग्राम देखी थी कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर ओरिएंटेड रैंडमली, मतलब कौन पन कुट पन कभी पन कसो पन भागते रहते हैं क्योंकि उनके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। बाय वर्च्यू ऑफ दैट एनर्जी दे आर इन मोशन, और ये फ्री रैंडम मोशन के टाइम उनकी वेलोसिटी होती है इन द रेंज ऑफ 10^3 to 10^4 m/s। लेकिन जब इस तरह के कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना मतलब एक एंड कनेक्ट करना पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरा एंड करना नेगेटिव टर्मिनल से। तो उस टाइप में क्या होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल था वो इलेक्ट्रॉन को प्रेशराइज करता है, उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है। कितना फोर्स? क्यू इंटू ई, दैट इज ई इंटू ई, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट फोर्स इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे क्या करते हैं? ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। और इस ट्रेवलिंग की केस में उनकी वेलोसिटी बनती है 10^-3 और 10^-4 m/s। तो ये वेलोसिटी में जो चेंज ऑकर हो रहा है, ये वेलोसिटी में जो चेंज ऑकर हो रहा है, ठीक है, वो क्यों ऑकर हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमारे लिए मोशन परफॉर्म करनी ही नहीं है, उनको क्या करना है, जब तक रैंडमली मूव रहे थे एकदम स्पीड से भागना है। हमने हमारे काम के लिए भागने को बोला पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके कि वो बैठ गए, फिर हम उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, और खींचते टाइम उनकी जो वेलोसिटी होती है उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई थी? अकॉर्डिंग टू वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू जीरो है, ए कितना था? स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, सब लोग रिवाइज करेंगे मेरे साथ में। तो वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी।
यहाँ पे स्मॉल ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने अप्लाई की थी पोटेंशियल डिफरेंस से। देन एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टी का मतलब बनेगा टाइम। क्या हो रहा वीडियो, वीडियो बीच बीच में कहाँ पे जा रहा है? ठीक है, टी का मतलब होगा टाइम और उस तरह से हम क्या करते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलने के बाद ये जो कॉन्स्टेंट्स थे इनको बाहर निकालेंगे और फिर लिखेंगे कि वी प्रोपोर्शनल टू ई है और इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करने के लिए हम फिर से एक कॉन्स्टेंट लेके आएंगे जिसको बोला जाएगा मोबिलिटी, डिनोटेड बाय म्यू गिवन बाय म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। मोबिलिटी मतलब क्या है, वी डी अपॉन ई, फिर मोबिलिटी हो गई। उसके बाद में करंट डेंसिटी आ गया। क्या है करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी और उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू आई, यानी जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस ऑफ थीटा, ऐसा यूनिट होगा। करंट पर एरिया है मतलब एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था कि कोई भी कंडक्टर है उसमें से अगर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन दिए है, तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एन को वी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी मतलब कौन है, वॉल्यूम, कितनी होती है वॉल्यूम, एरिया इन टू लेंथ। तो इससे क्या होगा, हाँ आवाज वॉइस प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है और वॉइस प्रॉब्लम, सर्वेश, सानिया, संगराज, अब क्लियर है क्या ऑडियो, आकाश मुझे भी है, अभी क्लियर करो, अभी क्लियर आ रहा है क्या ऑडियो, सानिया को आ रहा है, अभिषेक को हो गया सॉल्व, कृष्णा तुला आवाज इतनी है बाकी चंद नहीं तो है, रेणुका तुला पण इतनी आहे, संस्कृती तुझा मोबाईल खराब आहे, क्लिअर नाही आहेत, कृष्णा हेडफोन खराब झाले, ऋतुजा, ऋतुजाला येतोय व्यवस्थित, व्हेरी गुड, कट होते वॉइस, खरखर होते, ओके आता क्लियर है का, आता नहीं होते ना ब्रेक, एक मिनट, ओके प्रणालीला पण प्रॉब्लम, जानवी, आकांक्षा, अब क्लियर है, संगराज तुझी स्क्रीन ब्लर है, तूज ब्लर है, ठीक है अब क्लियर हो गया सबको, ओके नो प्रॉब्लम। चलो तो कहां तक आए थे हम, हाँ कोई भी एक मेटेलिक कंडक्टर है उसमें से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है और वो चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल एन कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम,
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे स्मॉल एन इंटू वी, बट वी होती है एरिया इंटू लेंथ, तो क्यू बना एन इंटू वी इंटू एल, लेकिन हम एल को रिप्लेस करेंगे वीडी इंटू टी से, फिर क्यू बनेगा एन इंटू ए इंटू वीडी इंटू टी इंटू ई, फिर करंट बनेगा क्यू बाई टी, टी टी कैंसिल होके एन इंटू वीडी इंटू ए इंटू ई, यानी वीडी ई, ये करंट हो गया। उसके बाद करंट डेंसिटी आएगी एन ए वी डी इंटू ई, सॉरी ए नहीं होगा, बस एन इंटू वी डी इंटू ई। सो इतने सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ये इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने ओम्स लॉ देखा था, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, वेर सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी, देन वन अपॉन कंडक्टिविटी बनती है रेजिस्टिविटी है, एंड फाइनली हमने रिलेशन प्रूव किया था वी अपॉन आई इज कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो इतना सारा जो बेसिक पार्ट है उसके ऊपर कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके ऊपर कल वर्कशीट भी दी थी, सारे लोगों ने वर्कशीट सॉल्व की है और उसके सबमिशन भी सब लोगों ने मुझे सेंड भी किए है व्हाट्सएप पे, ऐसे मैं अज्यूम करके चलता हूँ और हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में हमने ओम्स लॉ देखा था, ओम्स लॉ का लिमिटेशन देखा था, रेजिस्टेंस देखा था, रेजिस्टर्स देखे थे, रेजिस्टर कैसे कलर कोड होते हैं, उनकी कलर कोडिंग से कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो भी पार्ट हमने देखा था। अभी आज के लेक्चर में मैं अगेन टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दैट इज किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स लॉज। अभी किरचॉफ कौन है? साइंटिस्ट है जिसने क्या किया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लॉ एक्सप्लेन किए। अब क्यों एक्सप्लेन किए, देखो कि बेसिकली क्या होता है, हम जब भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाते हैं तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाते टाइम सिर्फ रेजिस्टर्स को सीरीज में एंड पैरेलल में कनेक्ट कर देने से काम नहीं बनेगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होगा, उसके साथ में वेरियस टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस यानी सेल भी कनेक्ट करने पड़ेंगे, उसकी वजह से नंबर ऑफ वेज से करंट फ्लो होगा, तो वहां पे करंट कैलकुलेट करना, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, ईएमएफ कैलकुलेट करना, ये फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के अरेंजमेंट से क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे किरचॉफ के लॉ पढ़ते हैं। बेसिकली किरचॉफ के दो लॉ हमें पढ़ने हैं, फर्स्ट वन आता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसको बोला जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ यानी केसीएल, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ यानी केसीएल। अब ये केसीएल क्या होता है, देखो इसमें स्टेटमेंट होता है कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अल्जेब्रिक सम ऑफ एनी करंट एट एनी जंक्शन, ये हमेशा से क्या होती है, जीरो होती है। तो अब इसमें ये जंक्शन मतलब क्या है, हमने यहाँ पे बोल तो दिया कि अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन जीरो है, मतलब करंट की सम जीरो होगी कहाँ पे, जंक्शन पे। अब ये जंक्शन मतलब क्या है, देखो जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है, औरंगाबाद में नहीं है, हमें अगर जंक्शन पे जाना है तो कहाँ पे जाना पड़ता है, मनमाड़ जाना पड़ता है, भुसावल जाना पड़ता है या फिर पुणे जाना पड़ता है। तो औरंगाबाद और मनमाड़ इन दोनों के रेलवे स्टेशन में क्या डिफरेंस है, औरंगाबाद में एक ट्रेन आती है फ्रॉम जालना, जाती है टुवर्ड्स मनमाड़, लेकिन मनमाड़ पे अगर देखेंगे तो क्या होता है, एक पुणे से आ रही है, एक औरंगाबाद से आ रही है, एक मुंबई से आ रही है, एक भुसावल को जा रही है। इस तरह से मनमाड़ के ऊपर आने वाली ट्रेन नंबर ऑफ वे सेपरेट हो सकती है, स्प्लिट हो सकती है। इसी तरह से जंक्शन मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का एक पॉइंट होता है, लिख के देता हूं मैं यहाँ पे, जंक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक पॉइंट होता है जहां पे एट विच करंट कैन स्प्लिट, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, स्प्लिट होता है, मतलब टू और मोर वेज से वो ट्रेवल करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा स्विच बोर्ड, अब स्विच बोर्ड में कंडीशन क्या है कि करंट को लेके आने वाला एक ही वायर है, लेकिन स्विच बोर्ड से जाने वाले वेरियस वायर है। जैसे स्विच बोर्ड में सप्लाई एक ही वायर से आता है, लेकिन वहां पे आने के बाद स्विच बोर्ड उसको क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, एक सप्लाई जा रहा है फैन को, दूसरा जा रहा है ट्यूब को, तीसरा जा रहा है कैमरे को, चौथा जा रहा है लैपटॉप को। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, करंट को स्प्लिट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में
जिस पॉइंट पे ये करंट इस तरह से स्प्लिट होता है उस पॉइंट को बोला जाता है एज ए जंक्शन। तो क्या है जंक्शन? मतलब जंक्शन मतलब है एनी पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक करंट कैन स्प्लिट। जंक्शन मतलब क्या है? एनी पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक करंट कैन स्प्लिट। चलो कमन फास्ट राइट डाउन स्टेटमेंट लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो लिख लो, दोनों भी आपको जो सुटेबल लगता है वो करो। अगर हो गया होगा तो चार्ट सेक्शन में बोलो। हो गया? कि हो गया था एक बार चेक करो। यस आकांक्षा आया, सबका हो गया। सर पुराने टीवी जैसे चल रहा वीडियो। सानिया क्या कमेंट है बेटा, ये तुम डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल सकती हो? पुरानी टीवी मतलब स्क्रीन कम ज्यादा हो रही क्या? एक मिनट में चेक करता हूं। अभी क्लियर है? अभी पुरानी टीवी नहीं लग रही है, अभी एलईडी लग रही है। सानिया हो गया क्या क्लियर? हाँ ओके। बाकी लोगों की कौन सी टीवी देखो एक बार, एलईडी एलसीडी। जानवी के पास पुरानी जमाने की लग रही है। सर्वेश स्क्रीन ब्लर, बेटा मोबाइल की स्क्रीन खराब दिल तुझा। ठीक है, और किस किस को प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट में लिखो। अभी भी स्क्रीन ब्लर, कितने लोगों की स्क्रीन ब्लर है? शुभम सानिया तुम्हें एडजस्ट केला नाही नंतर झालं सर। ओके मेरी बी अब क्लियर है? वॉइस ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? मुझे तो क्लियर कट दिख रहा है, आपको कैसे ब्लर दिख रहा है? ठीक है, अभी मोबाइल हाथ में लेके पढ़ाता हूँ मैं, फिर समझ में आएगा। ठीक है चलो, किरचॉफ का करंट लॉ समझ में आ गया था सबको? क्या होता है किरचॉफ के करंट लॉ में? जो अल्जेब्रिक सम है एट एनी जंक्शन, ये दिया है आपको जंक्शन, इस जंक्शन पे सारे करंट की जो सम है वो क्या होती है? इक्वल टू जीरो होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि I1, I2, I3, I4, ये फोर करंट है जो इस जंक्शन के ऊपर आ रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? अल्जेब्रिक सम अगर इक्वल टू जीरो करनी है, इसका मतलब समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो चाहिए, तो ये बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू जीरो। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ का करंट लॉ है। अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इक्वल टू जीरो, इस तरह से दिया है। ठीक है सर्वेश ऑल परफेक्ट, इवनिंग में स्टार्ट से होगा क्या? ये लेक्चर में बोलू क्या बेटा तुझे? वीडियो क्लियर नहीं है, मैं तुम्हें ये करंट एलसीडी स्टार्ट से लेंगे बाद में। वीडियो क्लियर? वीडियो ऑडियो के बारे में बोलो। ओके ठीक है चलो, तो सबका लिख के हो गया था? ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं था, पुराने जमाने की टीवी याद आ गई सानिया को। सानिया तुम्हारा कौन सा पुराना जमाना है? ठीक है, कौन सा 1980 की बर्थडे डेट आपकी? ठीक है तो चलो, ये किरचॉफ का करंट लॉ हो गया, जिसने हमें एक्सप्लेन किया है कि एनी जंक्शन पे जो अल्जेब्रिक सम होती है करंट की कितनी है? जीरो। लेकिन ये जीरो ऐसे कैसे हो जाएगी? अब ध्यान से देखो कि जो पार्ट अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे कि मैंने यहाँ पे एक जंक्शन लिया था पॉइंट पी, और यहाँ पे आने वाले करंट थे, जैसे ये करंट है I1, ये दूसरा करंट है I2,
अब ये तीसरा करंट है आई थ्री एंड ये फोर्थ करंट है आई फोर। अब इस जंक्शन पे हम क्या कर रहे हैं कि सारे करंट की सम यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू जीरो ले रहे हैं। लगता है ये इक्वेशन ऐसे होगा, कुछ तो कंफ्यूजन है यहाँ पे। अगर सारे करंट की एक्चुअल में सम कर लेंगे तो वो जीरो नहीं होगी, तो उसको जीरो बनाने के लिए हमें यहाँ पे किरचॉफ ने कुछ साइन कन्वेंशन बोले थे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये साइन कन्वेंशन कौन से, देखो फर्स्ट वन करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स जंक्शन, यानी कि इनकमिंग करंट ये रहेगा पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट ये रहेगा निगेटिव। देख लो एक बार, अब ये वैल्यूज इक्वेशन में पुट करनी है। जो करंट जंक्शन के टूवर्ड जा रहा है कौन कौन है, आई वन है एंड आई टू है, इनको पॉजिटिव लेना है, एंड जो अवे जा रहे थे वो माइनस बनेंगे। यानी ऊपर का इक्वेशन मॉडिफाई होके बनेगा I1 plus I2 is equals to I3 plus I4, यानी ये हो गया इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, एंड ये बन गया आपका किरचॉफ का करंट लॉ। ठीक है, चलो कम ऑन फास्ट, राइट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सपोज आपको एक नेटवर्क दिया है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है नेटवर्क में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करंट आने के वे है, यहाँ पे करंट आ रहा है 3.7 एम्पियर, यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है 2.8 एम्पियर, एंड यहाँ से बाहर जाने वाला करंट है 1.9 एम्पियर। तो यहाँ से आउटगोइंग करंट कितना होगा, आई कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो डायग्राम है, डायग्राम में वैल्यूज दी है, ठीक से वैल्यू पुट करो, इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो एंड टेल मी क्या आ रहा है आंसर। देखो जिनको समझ में आ गया वो सॉल्व करेंगे, कमेंट में मुझे चैट में मुझे आंसर्स बोलेंगे, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। रूल क्या है, जो सर्किट के जंक्शन के टूवर्ड जाने वाला करंट है, यहाँ पे दो करंट टूवर्ड जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे टूवर्ड्स कितने 2.8 प्लस 3.7, ये इनकमिंग करंट है, इक्वल्स टू क्या रहेगा आउटगोइंग करंट है। आउटगोइंग कौन कौन है, एक 1.9 है एंड दूसरा आई है। अगर मुझे यहाँ पे आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इनको पहले ऐड करते हैं, 8 प्लस 7 5, 3 प्लस 2 6, तो ये बना 6.5 इक्वल्स टू 1.9 प्लस आई। अब प्लस 1.9 इधर आएंगे तो माइनस बनेंगे, तो आई बन गया 6.5 माइनस 1.9। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 15 में से 9 गए मतलब 6, 6 महीने से 2 में गए मतलब 4, तो I इक्वल्स टू बन गया 4.6 एम्पियर। इतना डिफिकल्ट है देखो, और इस वजह से हमें इनकी वैल्यू करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, सो जिनका आंसर्स नहीं आया था वो सॉल्व करो। गायत्री 4.6, ये कौन है 4.4, येड़े यड़ा धलगा गावकड़ दोन, यही आंसर हम दो। ठीक है, तो ये था किरचॉफ का करंट लॉ। अब इसके ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लेंगे मैं, आप वर्कशीट अपलोड करूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, तो उसमें से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्टली हम जाएंगे टुवर्ड्स किरचॉफ का सेकंड लॉ। उससे पहले सब लोग एक पॉइंट लिखेंगे स्टार मार्क करके, राइट डाउन स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखेंगे सब लोग कि किरचॉफ्स करंट लॉ रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, केसीएल रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अभी जो लॉ हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड स्टार मार्क आएगा, किरचॉफ्स करंट लॉ रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। यानी कि ये लॉ ने हमें एक्सप्लेन किया कि जंक्शन के ऊपर जितने चार्जेस जाते हैं जंक्शन से अवे उतने चार्जेस जाते हैं, मतलब जंक्शन किसी भी चार्ज को कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है जितने आ रहे थे सबको भेज रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रख रहा है। ठीक है, यानी कि अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन कितनी हो गई, जीरो हो गई, फिनिश। चलो अभी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हो गया था, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, किरचॉफ का सेकंड लॉ जिसको बोला जाता है केवीएल। केवीएल का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या है केवीएल का मतलब, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब क्या होगा ये समझना पड़ेगा। अब देखो आगे के तीन चार पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, अगेन इसके ऊपर कंपलसरी एट एनी हाउ हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आना है, मतलब आना है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब क्या होता है,
एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क? मतलब अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड अक्रॉस, कनेक्टेड अक्रॉस सोर्स ऑफ ईएमएफ इन अ कॉम्प्लिकेटेड मैनर, इन अ कॉम्प्लिकेटेड मैनर। यानी कि क्या, देखो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब नेटवर्क होगा मतलब क्या होगा? इस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे कि यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस के सिंबल है, ये आपको मालूम होगा। कौन से रेजिस्टेंस है? आर वन है, आर टू है, आर थ्री भी है, आर फोर भी है, आर फाइव भी है। ये रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए, कहाँ पे कनेक्ट किए? अक्रॉस द सोर्स ऑफ ईएमएफ। यहाँ पे पहले सेल आ गया जिसका ईएमएफ ई वन है, यहाँ पे दूसरा सेल आ गया जिसका ईएमएफ ई टू है। यानी कि हमने यहाँ पे वेरियस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब कंपोनेंट्स, क्योंकि रेजिस्टेंस किसको होता है? कंपोनेंट्स को होता है। तो हमने क्या किया, वेरियस रेजिस्टेंस को यानी वेरियस कंपोनेंट्स को ये सोर्स ऑफ ईएमएफ के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। कौन सा मैनर? सिंपल मैनर नहीं, सिर्फ सीरीज और सिर्फ पैरेलल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड मैनर। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम अप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब क्या है, क्लियर है सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके ऊपर मैं आगे फिर आपको किरचॉफ का सेकंड लॉ एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है, दैट इज केवीएल। क्या होता है केवीएल मतलब? ठीक है, केवीएल मतलब होता है इन ए क्लोज लूप ऑफ, इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इन ए क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब क्या? ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है, इन ए क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल फॉर ऑल कंपोनेंट्स, पोटेंशियल फॉर ऑल कंपोनेंट्स प्लस द algebraic sum of EMF in the circuit, EMF in the circuit is zero. कितना सिंपल है देखो, कि जो भी इस तरह का सर्किट होगा, नेटवर्क होगा, उसमें क्या करना है? algebraic sum लेनी है। किसकी algebraic sum? हर एक कंपोनेंट के पोटेंशियल डिफरेंस की। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है वी, वी का मतलब होगा आईआर। तो हम क्या करेंगे, सारे आईआर की सम करेंगे प्लस जितनी भी बैटरीज है उनकी भी सम करेंगे, एंड ये सम हमेशा से कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। तो ये बन गया आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझने के लिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क रिक्वायर्ड था। क्या होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क? डायग्राम में ड्रॉ किया है। क्या किया है डायग्राम में ड्रॉ? वही स्टेटमेंट में लिखा है कि एक अरेंजमेंट है जिसमें वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सोर्स ऑफ ईएमएफ के अक्रॉस कनेक्ट करना है इन ए कॉम्प्लिकेटेड मैनर। तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के क्लोज लूप में, क्लोज लूप मतलब क्या होगा? क्लोज लूप मतलब जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट सेम होगा। इस तरह के क्लोज लूप में, इस तरह के क्लोज लूप में हम अल्जेब्रिक सम करेंगे किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल कंपोनेंट्स एंड ईएमएफ इन द सर्किट, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये स्क्रीनशॉट लिया होगा तो इससे रिलेटेड स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखना है आपको, कि जैसे केसीएल रिप्रेजेंट करता था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वैसे केवीएल रिप्रेजेंट करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि जितनी एनर्जी हम सेल का यूज करके सप्लाई करेंगे, सारी की सारी एनर्जी ये आईआर वाला पार्ट मतलब पोटेंशियल पार्ट उसको यूटिलाइज करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, जितनी मिल रही है उतना ही वो वर्क डन करेगा। मतलब यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन प्रूव होता है, रिप्रेजेंट होता है इन केस ऑफ
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो ये हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के साइन कन्वेंशन हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। अब साइन कन्वेंशन क्या रहेंगे, हम डायरेक्टली समीशन ऑफ आई आर प्लस समीशन ऑफ ई लिखेंगे तो आंसर्स नहीं आएंगे, आपको मालूम है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन होती है कि अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग द नेटवर्क इज सेम एज दैट ऑफ करंट फ्लो, देन जो ये आई आर वाली टर्म है इट इज टेकन टू बी निगेटिव, अदरवाइज ये आई आर वाली टर्म हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। एंड दूसरा साइन कन्वेंशन है इन केस ऑफ ईएमएफ और सेल, अगर हम पॉजिटिव टू निगेटिव ट्रेवल कर रहे हैं तो ई का साइन होगा निगेटिव, लेकिन हम अगर निगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल कर रहे हैं तो ई का साइन रहेगा पॉजिटिव। दो साइन कन्वेंशन से ध्यान से देख लो, अभी जब मैं इसका एग्जाम्पल लेके नेटवर्क का इक्वेशन बनाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखो वन बाय वन, आज हमने अलग ही पॉइंट शुरू किया है, नेक्स्ट पॉइंट जिसको हमने किरचॉफ्स लॉ बोला है। अभी किरचॉफ्स लॉ पढ़ने क्यों है, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स होते हैं उनमें जो अननोन है, अननोन मतलब कौन कौन, जैसे इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है, पोटेंशियल भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इनको कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिक इक्वेशन हम सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस के देखते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किरचॉफ ने जो बोला था वो लॉ को इंट्रोड्यूस किया। पहला हो गया किरचॉफ का करंट लॉ, जिसमें क्या है आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, तो उसमें से हम अननोन करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा समझने के लिए टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी ये टाइम कंज्यूम करता है। देखो एकदम सिंपल है, इस तरह की जो डायग्राम दिखेगी आपको जिसमें एक की जगह पे दो सेल, दो की जगह पे तीन सेल, एक रेजिस्टेंस की जगह पे दो चार रेजिस्टेंस दिए जाएंगे एंड इस तरह से कैसे भी कनेक्ट कर रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड मैनर में, तो ये बनेगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। और ऐसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि यहाँ पे करंट कैलकुलेट करो, यहाँ पे ईएमएफ कैलकुलेट करो, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, इस तरह का डेटा वो प्रोवाइड करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस लॉ में एक्सप्लेन किया है, हमें बस क्या करना है, हर एक कंपोनेंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वी, वी मतलब आईआर, तो ये आईआर की सम करनी है प्लस जितने सेल है ईएमएफ पे उनकी भी सम करनी है, तो समेशन ऑफ आईआर प्लस समेशन ऑफ ई इट विल बिकम इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ आईआर प्लस समेशन ऑफ ई ये क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन सिर्फ ये इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से कन्वेंशन फॉलो करने हैं, यहाँ पे लिखा है कि जब हम ये नेटवर्क ट्रेस करेंगे, क्यों ट्रेस करेंगे, कैसे ट्रेस करेंगे, दो मिनट में समझ में आने वाला है। जब ये नेटवर्क को ट्रेस करेंगे तो ट्रेस करते टाइम अगर करंट की डायरेक्शन एंड हमारे ट्रेसिंग की डायरेक्शन सेम है तो निगेटिव लेना है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। एट द सेम टाइम बैटरी में अगर हम प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, माइनस टू प्लस जा रहे हैं तो हमें प्लस लेना है, ठीक है। ये कन्वेंशन फॉलो करके हमें नेटवर्क क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जो बोर्ड पे लिखा है एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लो, समझ लो, पॉसिबल है तो लिख लो, देन मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ठीक है। चलो कमन फास्ट, एक मिनट का टाइम देता हूं, सब लोग लिख लो तब तक। चलो हो गया लिख के, कौन आ रहा है अब चार्ट सेक्शन में, सर्किट क्या है, सर्किट क्या है, सीकेटी, सीकेटी मतलब सर्किट है आकांक्षा, सीकेटी मतलब सर्किट लिखने का वो शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है।
यस यू आर सी, वो बहुत बड़ा है तो उसको मैं सी के टी ऐसे लिखता हूं, सर्किट। आप मत लिखो, आप पूरा लिखो। चलो अब ये लॉ एंड इक्वेशंस, यहाँ पे साइन कन्वेंशंस, ये अप्लाई करके हमें ये कैसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है उसके लिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक ही बार में एक्सप्लेन करूंगा। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए सब लोग फोकस करेंगे। देखो कि इस तरह का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हमें दिया है, यही इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लेते हैं, और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क देने के बाद हमें क्या करने पड़ते हैं, इनके लूप के इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। तो पहले इक्वेशन कैसे बनाने वो इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है। चलो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, एक बार वॉइस क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, ओके ठीक है। चलो तो इक्वेशंस कैसे बनेंगे, सबसे पहले जो हमें नेटवर्क दिया जा रहा है हमें इसका नोमेनक्लेचर बनाना है। ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लूप डिसाइड करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे याद रखना है एक बड़ा वाला लूप लेंगे, बाहर वाला पूरा, कौन सा, ए बी सी डी ई एफ ए वाला। एंड दूसरा इसके कंपेयर करने के लिए छोटा वाला लूप लेंगे, एक तो ऊपर का ले लो नहीं तो नीचे का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा ए बी सी एफ ए। अब ये लूप के लिए मुझे इक्वेशन बनाने हैं, इक्वेशन बनाने किसके लिए, फिर से आप लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ ए था। अब ये क्लोज लूप क्यों है, क्योंकि जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको तीन स्टेप फॉलो करनी है, कौन सी तीन स्टेप फॉलो करनी है, सबसे पहले नंबर वन, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा ट्रेसिंग का रूट था, मतलब ये इक्वेशन है, ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रेस करते टाइम ए से लेके बी पे जाएंगे, बी के बाद सी पे, सी के बाद डी पे, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एंड एफ के बाद में आना है ए, और हमारा लूप खत्म हो जाएगा। वही पार्ट यहाँ पे देखेंगे कि हम ए टू बी जा रहे हैं, बी टू सी आ रहे हैं, सी टू डी जा रहे हैं, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू ए आ रहे हैं। तो हम जिस पाथ के अलावा ट्रेवल करने वाले हैं उस पाथ में जितने रेजिस्टेंस लगेंगे उनको लिखना है। देखो अब ए से लेके बी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी से लेके सी तक कौन सा रेजिस्टेंस है, आर वन, तो मैं यहां पे लिख दूंगा आर वन। देन सी से लेके डी तक कौन लग रहा है, आर टू, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा आर टू। देन डी से लेके ई तक कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। ई से लेके एफ तक और एक रेजिस्टेंस है, दैट इज आर थ्री। एफ से लेके ए तक और एक रेजिस्टेंस है, आर फाइव, खत्म। यानी कि 1 2 3 4, हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो चार रेजिस्टेंस लगे रास्ते में, पहली स्टेप में मैंने उनको लिख दिया। उनके साथ जो बैटरी लगी उनको भी लिखना है, बैटरी दोनों लग रही है, E1 भी E2 भी इक्वल टू जीरो। फर्स्ट स्टेप ये कॉमन रहेगी। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हम जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो हर एक रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला जो करंट था वो उस रेजिस्टेंस के बाजू में लिखना है, क्योंकि हम सम तो आईआरकी करते हैं लेकिन करंट आपको दिए नहीं जाएंगे। यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे अगर माइनस है, तो यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, दैट इज आई वन, इस बैटरी से करंट फ्लो होगा, दैट विल बिकम आई टू, एंड इस पॉइंट यप के ऊपर आके ये करंट दोनों ऐड होके ये बनेगा आई वन प्लस आई टू। यहाँ पे आई थ्री लिखने की गलती नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। अगेन पॉइंट पी के सी के ऊपर आने के बाद ये करंट जो है वो सेपरेट होंगे, और आई एन अपने घर पे जाएगा एंड आई टू अपने घर पे जाएगा। इस तरह से ये नेटवर्क कंप्लीट होगा। अब वन बाय वन देखो, जब हम ट्रेवल कर रहे थे आर वन से तब कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई वन, तो ये बना आई वन आर वन। जब हम फ्लो हो रहे थे आर टू से तो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई टू, तो ये बना आई टू आर टू। जब हम आर थ्री से ट्रेवल कर रहे थे तो आर थ्री में से कौन सा करंट जाएगा, आई टू, तो यहाँ पे आई टू आएगा। जब हम आर फाइव में आ रहे हैं तो यहाँ पे करंट कौन है, आई वन है। इस तरह से आई आर एंड ई, ये हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें साइन कन्वेंशन यूज करने। रूल क्या है, देखो जैसे हम बी टू सी जा रहे थे, हम नीचे जा रहे, करंट ऊपर जा रहा है, मतलब करंट की एंड हमारी डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने यहां पे लिख के दिया था आपको प्लस लेना पड़ेगा। अब आर टू की केस R2 के केस में क्या हो रहा है, हम C टू D जा रहे हैं, मतलब हम नीचे जा रहे हैं एंड उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो हमें इसको लेना पड़ेगा निगेटिव, दैट इज माइनस।
आगे जाके R3 पे क्या हो रहा है, करंट ऊपर जा रहा है एंड हम भी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं मतलब F की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन मतलब ये बनेगा फिर से माइनस I1 R5 है, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है मतलब प्लस, और बैटरी के लिए मैंने क्या बोला था प्लस टू माइनस माइनस, मतलब E1 में हम प्लस से लेके माइनस पे जा रहे हैं तो ये माइनस होगा, E2 पे अपन माइनस से प्लस पे आ रहे हैं मतलब ये प्लस हो गया, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन फॉर द लूप ABCDEFA। अभी सेम आपको यहाँ पे मुझे आंसर देने हैं कि अगर मैं दूसरा लूप यहाँ पे लूंगा ABCFA तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, थिंक अपॉन इट कमन फास्ट, कितने लोग कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो बोलो क्या आएगा इक्वेशन। ऑडियो कितने लोगों का क्लियर नहीं है, ऑडियो रेणुका आता क्लियर है ऑडियो, ओके क्लियर है, चलो ठीक है। इस लूप के लिए इक्वेशन बनाना है, जिनको आता है वो बनाओ, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब फिर से देखो क्लोज लूप है क्योंकि हम ए से स्टार्ट हो रहे थे ए पे एंड हो गए, लूप कौन सा है A B C F A। अब इक्वेशन बनाने की तीन स्टेप है, तीन स्टेप फॉलो करेंगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो कितना भी दिमाग लगाओ ये कंफ्यूज करता है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि रास्ते में जितने रेजिस्टेंस लगे थे लिख दो, मुझे A टू B कोई नहीं मिला, B टू C में R1 है तो ये लिख दिया मैंने R1, C टू F में कौन है R4 तो ये लिख दिया मैंने R4, F टू A में R के R5 एंड बैटरी ए की लग रही है E1 दैट इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट स्टेप हो गई। अब सेकंड स्टेप में इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाले करंट चाहिए, तो ये R1 में से फ्लो होने वाला करंट कौन है I1, तो ये बनेगा I1 R1। अब ये R4 था, इसमें से फ्लो होने वाला करंट कौन है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट है I1 प्लस I2, दोनों करंट फ्लो हो रहा है। देन ये R5 में से फ्लो होने वाला करंट है I1, ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। अब थर्ड स्टेप में चाहिए हमें साइन कन्वेंशन, तो देखो R1 में क्या हो रहा था, हम जा रहे B टू C, करंट आ रहा है C टू B, मतलब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो ये रहेगा प्लस। अब C से लेके F तक हम जा रहे थे, करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था मतलब अगेन ये रहेगा प्लस। देन R5 के लिए हम A के थ्रूवर्ड जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है मतलब ये भी रहेगा प्लस, लेकिन E1 जो है उसमें हम प्लस टू माइनस गए थे मतलब ये बनेगा माइनस, तो अगेन ये बन गया इक्वेशन फॉर द लूप ABCFA। अब ध्यान से देख लो और इनको लिख लो कमन पास, क्रॉस चेक करो, अगर समझ में आ गया तो कमेंट एस करो, नहीं समझ में आ रहा है तो नो करो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन कमन पास। कितने लोगों को समझ में आ रहा है देखते हैं, सर्वेश EMF रिपीट करो। देख बेटा पहले वाले लूप में ABCDEFA, एक EMF लगा दूसरा भी लगा इसलिए E1 E2 लिखा, और EMF का कन्वेंशन क्या बोलता है कि प्लस टू माइनस जा रहे तो माइनस, माइनस टू प्लस आ रहे तो प्लस, E1 में जा रहे थे प्लस टू माइनस इसलिए E1 माइनस, E2 के लिए माइनस टू प्लस आ रहे इसलिए यहाँ पे प्लस, बस इतना डिफरेंस है। सर्वेश क्लियर है क्या, कमेंट में बोलो। हाँ अवनी को क्लियर है, प्रसाद क्लियर है, ऋतुजा को तो सब क्लियर होता है एकदम। देन आदित्य यस, गायत्री भी क्लियर है, संस्कृति नहीं समझा, संस्कृति तू दुपारी एक क्लास तुला एक्सप्लेन करतो, साइन कन्वेंशन रिपीट करो, ओके। सानिया इक्वेशन भी लिख दिया बेटा, एक्सलेंट वेरी गुड। सर्वेश क्लियर है, सानिया क्लियर है, रेणुका क्लियर है। अब संस्कृति का एंड आकांक्षा का प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं ये सारी स्टेप रिपीट करता हूं लेकिन दूसरे क्वेश्चन में, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। इसी तरह का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपको दिया है और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये रेजिस्टेंस इस तरह के प्लेस किए हैं, यहां पे और एक रेजिस्टेंस दिया है। अब ये बैटरी है जिसका EMF आपको दिया है 2.2 वोल्ट, ये प्लस है ये माइनस है, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, ये रेजिस्टेंस है R4, ये रेजिस्टेंस है R5, प्लस टू माइनस, एंड यहाँ पे जो दिया है EMF वो दिया है आपको 1.2 वोल्ट।
ये 22 नहीं है, 2.2 वोल्ट है, ठीक है। एंड बोला गया कि ईच रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का है। तो जिनको क्लियर हुआ था वो क्या करेंगे, मैंने जैसे पहले दो लूप के दो इक्वेशन बनाए थे वैसे इक्वेशन बनाएंगे, बस इसमें ईएमएफ की एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे। तब तक संस्कृति के लिए एंड और कौन था, आकांक्षा के लिए मैं ये इक्वेशन फिर से बना देता हूं, ठीक है। तो इस लूप को मैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर बना देता हूं, ए बी सी डी ई एफ। तो हमेशा से पहले लूप कौन सा लेंगे हम, बड़ा वाला, कौन सा बड़ा वाला, ए बी सी डी ई एफ ए, ये वाला। अब इस लूप में पहली स्टेप क्या होगी, रास्ते में जितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं लिखने पड़ेंगे। ए टू बी कोई भी नहीं है, बी टू सी कौन है, आर वन, सी टू डी कौन है, आर टू, डी टू ई कोई भी नहीं है, ई टू एफ कौन है, आर थ्री, देन एफ टू ए कौन है, आर फाइव, हो गए इतने रेजिस्टेंस है। एट द सेम टाइम सर्वेश ईएमएफ कितने लग रहे हैं, एक ईएमएफ यहां पे लगा, एक ईएमएफ यहां पे लगा, मतलब दोनों भी ईएमएफ लग रहे हैं, तो ई वन भी लगेगा, ई टू भी लगेगा, इक्वल टू जीरो। अब जितने रेजिस्टेंस थे उनमें से फ्लो होने वाले करंट चाहिए, तो देखो यहां पे अगर बैटरी है प्लस है तो यहां पे फ्लो होने वाला करंट आई वन होगा, यहां से आने वाला करंट आई टू होगा, यहां पे एड होके ये बनेगा आई वन प्लस आई टू। पॉइंट सी पे वो स्प्लिट होंगे, I1 अपने घरी, I2 पण त्याच्या घरी, ठीक है। इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखो R1 यहाँ पे था, उसमें से फ्लो होने वाला करंट I1, R2 यहाँ पे था, उसमें से फ्लो होने वाला करंट I2, R3 यहाँ पे, उसमें से फ्लो होने वाला करंट I2, R5 में से फ्लो होने वाला करंट I2, हो गई सेकंड स्टेप। अब ये स्टेप क्लियर है क्या बोलो, आकांक्षा में इसको डाउट नहीं था, संस्कृति में था, संस्कृति को था, संस्कृति ये क्लियर हो गया क्या बोलो सर, सेकंड नहीं समझे संगराज, फिर से एक्सप्लेन किया मैंने अभी, संस्कृति को क्लियर है, आकांक्षा क्लियर है, संगराज सेकंड नहीं समझा, सेकंड क्या लिखा मैंने अभी आप है सर, ते आर फाइव मध्ये, आर फाइव मध्ये काय, आर फाइव मध्ये हे आर फाइव मधून फ्लो होने वाला करंट कौन सा है, I1 है, ये I1 फ्लो है ना R5 में से यहां तक, इसलिए वो I1 है। अब सेकंड स्टेप बचेगी जिसमें हमें क्या करना है, साइन कन्वेंशन पुट करने। साइन कन्वेंशन का रूल क्या है कि करंट की हमारी डायरेक्शन सेम है तो निगेटिव। अब देखो R1 में हम जा रहे बी टू सी, करंट ऊपर आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव। I2 R2, आकांक्षा आप ध्यान दो, R2 के लिए करंट जा रहा है डाउनवर्ड, हम भी जा रहे हैं डाउनवर्ड, मतलब ये बनेगा माइनस। अब यहां पे करंट जा रहा है अपवर्ड, हम भी जा रहे हैं अपवर्ड, मतलब ये भी माइनस। एंड यहां पे करंट जा रहा है डाउनवर्ड, हम जा रहे हैं अपवर्ड, तो ये बनेगा प्लस। ईएमएफ के लिए कंडीशन क्या है कि प्लस टू माइनस जाएंगे तो माइनस लेना है। ई1 में क्या हो रहा है, प्लस टू माइनस, तो ये माइनस। ई2 में क्या हो रहा है, माइनस टू प्लस, तो ये बनेगा प्लस। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अभी बस एडिशनल स्टेप ये है कि यहां पे हमें करंट कैलकुलेट करना था, इसलिए जो गिवन डेटा है वो पुट करना है। जिन तीन लोगों को कंफ्यूजन था एक बार क्लियर करो, ये क्लियर है क्या, हाँ संगराज आई वन ही वो, वेरी गुड। चलो आकांक्षा देन संस्कृति, संगराज कमेंट करो रिपीट पास, ये क्लियर है क्या, मुझे प्रोसीड करना है, बाकी लोगों को क्लियर था, सानिया क्लियर है, नहीं सानिया का तो क्लियर ही था, संस्कृति आकांक्षा संगराज तीन लोग कमेंट करो, छोड़ दो नहीं कर रहे कमेंट। तो अभी क्या करना है हमें, जो इक्वेशन यहां पे मिला था उसमें वैल्यू पुट करनी है। मैंने बोला है सारे रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो ये क्या बनेगा, 10 आई वन माइनस 10 आई टू माइनस 10 आई टू प्लस 10 आई वन माइनस ई वन कितना दिया है 2.2 प्लस ई टू कितना दिया है 1.2 इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 10 I1 plus 10 I1 20 I1 minus 10 I2 minus 10 I2 20 I2 minus 2.2 plus 1.2 minus 1.2 minus 1.2 उधर जाएंगे तो plus 1.2। तो मुझे यहां पे सॉल्व करने के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। सेकंड केस में अभी मुझे क्या करना है, एक छोटा लूप कंसीडर करना है, कौन सा है लूप, ए बी सी एफ ए।
अब ये ए बी सी एफ ए में कितने रेजिस्टेंस है? 1 2 3 कौन कौन? आर वन आर फोर आर फाइव। ईएमएफ कितना है? एक ही है, ई वन इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में इनके करंट लिखना है, तो आर वन में से करंट आई वन, आर फाइव में से करंट आई वन, लेकिन जो आर फोर है इसमें से फ्लो होने वाले करंट दोनों भी है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? आई वन प्लस आई टू। थर्ड स्टेप में साइन कन्वेंशन। अब देखो यहां पे करंट ऊपर आ रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, मतलब ये प्लस। यहां पे करंट जा रहा है एफ टू सी, हम जा रहे हैं सी टू एफ, मतलब ये भी प्लस। और ये आर वन आर फाइव में करंट डाउनवर्ड आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये भी प्लस। बस बैटरी रहेगी माइनस, क्योंकि हम जा रहे हैं प्लस टू माइनस। अब क्या करना है? इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो क्या होगी वैल्यू? 10 I1 plus 10 I2 plus 10 I1 माइनस 2.2 इक्वल टू जीरो। कहां से आ रहा है एक बार देखो, R1 10 है तो 10 I1। अब ये R4 ऐसे था ना, I1 plus I2 into R4 था, R4 10 है, सेपरेट करेंगे तो क्या होगा? 10 I1 plus 10 I2, इसलिए यहां पे लिखा है 10 I1 plus 10 I2 plus 10 I1 माइनस 2.2 इक्वल टू जीरो। अब ऐड करना है, देखो 10 I1 plus 10 I1 plus 10 I1 मतलब 30 I1 plus 10 I2 माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएंगे 2.2। ये बन गया इक्वेशन नंबर टू। देख लो स्टेप बाय स्टेप, यहां तक सबको क्लियर है क्या? कम ऑन फास्ट। अवनी एडिशन सब्ट्रैक्शन करा ना, 1.2 कस काय? माइनस 2.2 प्लस 1.2 कमाली चुकली। एक मिनट, अवनी चं बरोबर आहे, ठीक आहे, ये 1.2 नाही आहे, ये 1.0 आहे। अब क्लियर है? चलो देखो स्टेप बाय स्टेप। आर्या ते ई निगेटिव कसा? आर्या हे बघ बेटा, ईएमएफ साठी रूल काय आहे की आपण जर प्लस कडून मायनस कडे गेलो तर निगेटिव्ह घ्यायचं, आपण जर मायनस कडून प्लस कडे चाललो तर पॉझिटिव्ह घ्यायचं, कळलं का? तर यहां पे ई1 मध्ये देखो प्लस टू मायनस जा रहा है, इसलिए मायनस। ये लूप है ना, ये क्या बोल रहा है? ए से बी पे जाओ, ए से बी पे मतलब प्लस टू माइनस जाओ, इसलिए ई1 माइनस। यहां पे भी वही है, ए से बी पे जाओ मतलब प्लस टू माइनस जाओ, इसलिए ई1 माइनस। क्लियर है क्या आर्या? कमेंट करो फास्ट, क्लियर है तो। हो रेणुका, वन येते बरोबर आहे, ठीक आहे प्रसाद, यस 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 यस, 1.2 नाही आलं, प्लस वन आहे, करेक्ट आहे, क्लियर आहे, सबको क्लियर आहे, ओके हो गया क्लियर। चलो अब अगर ये क्लियर है तो हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके I1 एंड I2 निकालने हैं, तो मैं बोर्ड रब करने वाला हूं। सब लोग क्या करेंगे? एक तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, कमॉन फास्ट। लिख के हो गया होगा, अभी स्क्रीनशॉट भी निकाल के हो गया होगा। आई विल रब दिस और आई विल कैलकुलेट हियर I1 एंड I2। चलो अब मुझे ये दो इक्वेशन है, इनको लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो जो सेकंड इक्वेशन था इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 I1 प्लस 20 I2 इज इक्वल्स टू 4.4। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर दूंगा। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 20 I1 माइनस 20 I2 इज इक्वल्स टू 1.0। ऐड कर रहे हैं, प्लस 20 माइनस 20 कैंसल, 60 प्लस 20 80 I1 इज इक्वल्स टू 5.4। तो I1 इज इक्वल्स टू आ गया 5.4 अपॉन 80 एम्पियर। पूरा आंसर नहीं है, ये सिर्फ I1 है। अब I1 की जगह पे यहां पे इक्वेशन नंबर वन में 5.4 अपॉन 80 लिख दिया, तो क्या होगा? 20 × 5.4/80 माइनस 20 I2 इक्वल्स टू 1। अब यहां पे ये 1, ये 4, ये 1 3 5। अब ये माइनस 20 उधर, प्लस 1 इधर आके माइनस, मतलब ये बनेगा 20 I2 इज इक्वल्स टू 0.35।
आई टू बन गया 0.35 अपॉन 20 एम्पियर, ठीक है। तो आई वन एंड आई टू इनकी वैल्यू सेपरेट आ गई, अब इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा नेट करंट। चलो कमन फास्ट, गायत्री एक्सलेंट, वेरी गुड, करेक्ट है, चलो लिख लो और ये कैलकुलेशन जो है वो बाद में वेरीफाई करो। सो ये बन गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आप सब लोगों ने देखा कि थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम करता है, इसलिए इसके ऊपर जो एमसीक्यू आएंगे एमसीक्यू कंफर्म आएंगे, वो एमसीक्यू इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, एक ही एमएफ दो रेजिस्टेंस इस तरह से होंगे। तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्टली एक तो ये स्टेप फॉलो करो, ये मैकेनिक्स मैकेनिज्म ये इजी है, या फिर इसको छोड़ के शॉर्टकट भी है जो मैं आपको वर्कशीट दूंगा, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्टली वी इक्वल्स टू आई आर करके वो आंसर आते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर वी इक्वल्स टू आई आर अप्लाई करके आंसर नहीं आ रहा है वो प्रोबेबिलिटी है, तो हमें इससे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए दो चार एग्जाम्पल्स एक बार कर लो, तीन ही स्टेप है। सबसे पहले जो भी नेटवर्क दिया जाएगा, एक बड़ा वाला लूप लेना है उसका इक्वेशन बनाना है, एक छोटा वाला लूप लेना है उसका इक्वेशन बनाना है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एंड इक्वेशन लेते टाइम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में रास्ते में जितने सारे रेजिस्टेंस लगे थे उनको लिखेंगे, सेकंड स्टेप में उस रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड स्टेप में क्या करना है, साइन कन्वेंशन, करंट की हमारी डायरेक्शन सेम है तो निगेटिव, अगर अपोजिट है तो पॉजिटिव, बस इतना ही करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट केसीएल एंड केवीएल, उनके एप्लीकेशन एंड उनको अप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन ऑफ द न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो लेक्चर के बाद में कैलकुलेट करो और व्हाट्सएप पे मुझे आंसर्स भेजो। सो ये हो गया किरचॉफ का लॉ का पार्ट। अभी हम इसके इसी सीक्वेंस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे यहाँ पे, जो अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। अब क्या होता है व्हीटस्टोन्स नेटवर्क? व्हीटस्टोन बोल के एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया है, एक ब्रिज नेटवर्क सजेस्ट किया है। क्या किया है? एक ब्रिज नेटवर्क सजेस्ट किया है जिसको हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो ब्रिज नेटवर्क हम यूज करते हैं उसी को बोला जाता है व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। कैसा ये ब्रिज नेटवर्क? देखो व्हीटस्टोन ने बोला है कि ऐसे सर्किट में हम क्या करेंगे, फोर पॉइंट्स लेंगे जो ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि ए बी सी एंड डी। अब ये फोर पॉइंट्स आ गए, उसमें क्या करना है, ए एंड बी के बिटवीन एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, बी एंड सी के बिटवीन दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, सी एंड डी के बिटवीन तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, ए एंड डी के बिटवीन फोर्थ रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। तो ऐसे चारों रेजिस्टेंस ने क्या किया, ब्रिज फॉर्म किया, एंड इसी नेटवर्क को ब्रिज नेटवर्क बोला जाता है। अब इसमें से एसी या फिर बीडी दोनों में से किसी भी दो पॉइंट को अगर इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर देंगे, सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है, व्हीटस्टोन का नेटवर्क जब हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे कंडीशन है और उस कंडीशन को बोला जाता है बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। और ये बैलेंस्ड कंडीशन कब होती है, जब पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी ए। मतलब डायग्राम में दे तो देखो, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, इन दोनों में का पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है, कब होगा जीरो, अगर ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि वी बी माइनस वी डी इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर इन दोनों के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है और इन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ गैलोनोमीटर। अब गैलोनोमीटर मतलब क्या है, एक डिवाइस है जिसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना, करंट है या नहीं है इतना डिटेक्ट करना, उसको बोला जाएगा गैलोनोमीटर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बी एंड डी इन दोनों के बिटवीन गैलोनोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट हमने कर दी। तो कंडीशन क्या है, देखो नेटवर्क बैलेंस्ड हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल एट बी पोटेंशियल एट डी जीरो बना, यानी कि बी एंड डी में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो गैलोनोमीटर में से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा,
इसका मतलब गैलोनीमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी आई जी इक्वल टू जीरो बनेगा, उस केस में हम नेटवर्क को कंसिडर करेंगे एज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो उस टाइप के नेटवर्क को हम बोलेंगे एज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, क्या कंडीशन है बैलेंसिंग के लिए? पोटेंशियल एट पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, ये हमें कैसे समझ में आएगा? हम यहाँ पे गैलोनीमीटर कनेक्ट करेंगे। ये गैलोनीमीटर अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जीरो है? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। एंड इसी टाइप के कंडीशन को बोला जाता है बैलेंस व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। देख लो एक बार क्या है बैलेंस व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। फिर से वंस अगेन, एक ब्रिज नेटवर्क है जिसमें चार रेजिस्टेंस है। दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, रिमेनिंग दो पॉइंट के अक्रॉस हम गैलोनीमीटर कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये गैलोनीमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, गैलोनीमीटर मतलब क्या है? डिवाइस जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है कि नहीं, एवढंच। तो गैलोनीमीटर अगर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब करंट है ही नहीं। करंट क्यों नहीं है? क्योंकि बी एंड डी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया, एंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो इस टाइप के कंडीशन को बोला जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। तो अगर ये नेटवर्क बैलेंस्ड है तो इस केस में अगर ये रेजिस्टेंसेस आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ऐसे फोर रेजिस्टेंस है, तो इनके लिए कंडीशन बनती है आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू आर थ्री अपॉन आर फोर। एंड ये कंडीशन में से क्या होता है कि तीनों रेजिस्टेंस हमें पहले से मालूम होते हैं, नोन होते हैं, एंड एक रेजिस्टेंस अननोन होता है। फिर से एक बार क्या होता है, तीन रेजिस्टेंस हमें पहले से मालूम होते हैं, नोन होते हैं, एंड एक रेजिस्टेंस अननोन होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें अननोन रेजिस्टेंस मिलेगा। यही मेथड ये व्हीटस्टोन ने सजेस्ट की थी। इस मेथड में जो नेटवर्क यूज किया है उसको बोला जाता है ब्रिज नेटवर्क, ब्रिज के जैसा नेटवर्क। इसलिए यहाँ पे ये व्हीटस्टोन्स का नेटवर्क बन गया। इसका बेसिक एप्लीकेशन है अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। इसमें से तीन रेजिस्टेंस नॉन होंगे, एक अननोन होगा, खत्म। लेकिन ये एप्लीकेबल कब है? अगर नेटवर्क बैलेंस्ड है तो। और नेटवर्क को बैलेंस करने के लिए कंडीशन क्या है? IG मस्ट बी जीरो। IG जीरो हो गया मतलब गैलोनीमीटर ने डिफ्लेक्शन शो ही नहीं किया। इसका मतलब पोटेंशियल दोनों पॉइंट में सेम था। तो इस सिचुएशन में R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 होता है। एक अननोन, तीन नोन होते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, हमारे आंसर्स आते हैं। ये बन गया व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। ठीक है, चलो कमेंट फास्ट देख लो, क्लियर है तो कमेंट मी फास्ट, देन वी विल प्रोसीड। क्लियर है सबको? चलो चलो कमेंट फास्ट फटफट। ठीक है, सानिया क्लियर, सर्वेश क्लियर, आकांक्षा क्लियर, समृद्धि से काय, रेणुका क्लियर, प्रणाली क्लियर, आदित्य क्लियर, संस्कृति को समझा मतलब सबको समझा। ठीक है, चलो फटाफट संगराज, आयन फेरस निकेल कहाँ पे तू, ऋतुजा को भी क्लियर है, एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड, गौरी क्लियर, संगराजला पहिल्यांदा क्लियर झाला आयुष्यात, ओके संगराज क्लियर, सायली सायली क्लियर, ओके ठीक है चलो। तो ये हो गया व्हीटस्टोन का नेटवर्क। तो कंडीशन क्या है कि आपको चार में से तीन रेजिस्टेंस दिए जाएंगे, एक अननोन होगा और कैलकुलेट करो ऐसे बोलेंगे, हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो मॉड्यूल में दिए सॉल्व एग्जांपल, वो सॉल्व करो, इसकी मैं वर्कशीट भी दूंगा और वर्कशीट फिर अपन डिस्कस करेंगे आईपैड पे, तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था, देखो ये व्हीटस्टोन्स का नेटवर्क अप्लाई करके हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट तो कर रहे थे, लेकिन ये ब्रिज नेटवर्क फॉर्म करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। सर्किट डिजाइन करने में, उसको अप्लाई करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। इसलिए क्या किया कि हमने इस व्हीटस्टोन्स के नेटवर्क को मॉडिफाई किया, और उस मॉडिफिकेशन को बोला गया व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। क्या बोला गया? व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। अब व्हीटस्टोन का ही है, दूसरे किसी का नहीं है। तो क्या है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज? पहली बात, इट्स ए मॉडिफिकेशन। क्या है? इट्स ए
मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. आकांक्षा WN म्हणजे काय? व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. इट्स ए मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. क्या है? मीटर ब्रिज मतलब व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का मॉडिफिकेशन है. अब मतलब क्या होगा मॉडिफिकेशन? मतलब इसका पर्पज वही होगा, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट एंड कैलकुलेशन का पार्ट सिंपल हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये मीटर ब्रिज में क्या होता है, अब ध्यान से सुनेंगे एंड बोर्ड पे देखेंगे आप. सबसे पहले ये मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ एक वायर. इस मीटर ब्रिज को होती है एक वायर जिसकी लेंथ है 1 मीटर. कौन सी वायर दिख रही है बोर्ड पे? AC. और इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसलिए इसको बोला जाता है मीटर ब्रिज. वायर की लेंथ 1 मीटर है, इसलिए इसको बोला गया एज ए मीटर ब्रिज. अब ए एंड सी, इस वायर को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इन सीरीज. इन सीरीज किसके साथ? विथ बैटरी ऑफ EMF ई, देन चालू बंद करायला प्लग की के, एंड रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए रियोस्टैट RH. क्या है देखो, सिंपल एक वायर है AC पे फिक्स की है. ए से कनेक्शन दिया है बैटरी को, बैटरी का पॉजिटिव एंड ये निगेटिव टर्मिनल है. देन बटन है चालू बंद करायला, एंड रियोस्टैट मतलब एक डिवाइस है जो हमें सर्किट में जो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो वेरी करके देगा. अब ए एंड सी में क्या करेंगे हम, इस तरह से दो कॉपर की ABCD, तो ABCD मतलब L सारखी, मतलब L शेप कॉपर स्ट्रिप फिक्स कर देंगे. ये बनी C1, ये बनी C2. अब ये C1 एंड C2 के बिटवीन जो गैप है, इसमें हम और एक मेटल स्ट्रिप रख देंगे, ये बन गई C3. एंड ये पूरा सेटअप एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक के ऊपर म्हणजे लाकडाच्या फळीवर हम फिक्स कर देंगे. अब इस डिवाइस में जो हमने एयर AC प्लेस की थी, उसके पैरेलल में हम एक मीटर स्केल प्लेस करेंगे. मीटर स्केल मतलब पट्टी स्केल जिसकी लेंथ 1 मीटर है. 1 मीटर है मतलब 100 सेंटीमीटर है. इस तरह की ये स्केल प्लेस कर देंगे. C3 के अंदर एक पॉइंट रहेगा B, जिसको हम गैलोनीमीटर को कनेक्ट करके उसको दूसरा एंड वायर का जॉकी से कनेक्ट कर देंगे. इस तरह की एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. देखो अब तक मैंने क्या क्या ड्रॉ किया है. RH म्हणजे रिओस्टैट साइली. RH का मतलब क्या होता है? रिओस्टैट, रिओस्टैट. रिओस्टैट का मतलब ये हमें सर्किट में रेजिस्टेंस वेरिएबल प्रोवाइड करता है. म्हणजे हा एरो की नाही, पुढे सरकवला रेजिस्टेंस वाढणार, मागे घेतला की रेजिस्टेंस कमी होणार. ठीक आहे, चलो साइली का डाउट हो गया. बाकी लोग वन बाय वन बोर्ड पे क्या क्या है ध्यान से देखो. सबसे पहले वायर है. कौन सी वायर है? AC, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इसलिए ये मीटर ब्रिज बना. उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? बैटरी के साथ, जिसका EMF है E, प्लग की है K, रियोस्टैट है RH. फिर AC के पैरेलल में स्केल प्लेस कर दी, B में से गैलोनीमीटर कनेक्ट कर दिया. अब इस डायग्राम में दो गैप बन गए. एक है लेफ्ट साइड में, तो इसको बोला जाएगा लेफ्ट गैप. एक है राइट साइड में, इसको बोला जाएगा राइट गैप. क्वेश्चन में भी ऐसे बोलते हैं, लेफ्ट गैप में ये है, राइट गैप में ये है. तो आपको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड मालूम है, उसके अकॉर्डिंग ये गैप वेरी करने. ठीक है, तो लेफ्ट गैप में हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको कनेक्ट करते हैं, एंड राइट गैप में नॉन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें मालूम है उसको कनेक्ट कर देते. अब इस नेटवर्क को हम ब्रिज नेटवर्क के साथ में कंपेयर करेंगे. यहाँ पे कौन था? ए था, यहाँ पे भी ए है. यहाँ पे बी था, यहाँ पे भी बी है. यहाँ पे सी था, यहाँ पे भी सी है. यहाँ पे डी है, बस हमें डी फाइंड करना पड़ेगा. कंडीशन क्या थी देखो, बी एंड डी के बिटवीन गैलोनीमीटर था. तो यहाँ पे बी एंड डी के बिटवीन, मतलब ये डी यहाँ पे मिलेगा, गैलोनीमीटर आ गया. अब ए एंड बी के बिटवीन जो रेजिस्टेंस था वो R1 था. यहाँ पे R1 रिप्लेस बाय X है. बी एंड सी के बिटवीन का रेजिस्टेंस R2 था. अब बी एंड सी के बिटवीन का रेजिस्टेंस यहाँ पे R है, तो R2 रिप्लेस बाय R है. अब यहाँ पे ए डी के बिटवीन का रेजिस्टेंस जो R3 था वो आएगा. देखो ये जो वायर है AC, यहाँ पे लिखता हूं, इसके लिए सिग्मा होगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, वैसे यहाँ पे सिग्मा का मतलब होगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जैसे मास पर यूनिट लेंथ हुआ करती थी. तो यहाँ पे मुझे अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा? सिग्मा इंटू L बनेगा. तो कंडीशन क्या है देखो, ये D के ऊपर गैलोनीमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो किया था.
जब ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था तब हमने समझ लिया कि नेटवर्क क्या हो गया, नेटवर्क बैलेंस हो गया। तो नेटवर्क को बैलेंस करने के लिए ए से लेके इधर की लेंथ है इसको मैं एल एक्स बोलता हूं, ए से लेके सी तक की लेंथ है उसको मैं एल आर बोलता हूं। समझ में आ रहा है? तो मुझे अगर आर थ्री चाहिए यहां पे तो ये बनेगा सिग्मा इंटू एल एक्स, एंड अगर मुझे आर फोर चाहिए तो ये बनेगा सिग्मा इंटू एल आर। आर वन एक्स है, आर टू आर है, आर थ्री सिग्मा इंटू एल एक्स है, आर फोर सिग्मा इंटू एल आर है। अगर इन चारों को मैं पुट करूं इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, चलो ऑडियो वीडियो एक बार चेक करो, क्लियर सर? वीडियो ओके, क्लियर है क्या आप? कम ऑन फास्ट, वीडियो ब्लर, अब क्लियर है क्या? अब ब्लर नहीं हो रहा है? ओके ऑडियो भी, ऑडियो ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, ठीक है चलो। यस हाँ ब्लर ओके। तो देखो क्या हो रहा है कि जो बैलेंस्ड कंडीशन थी फॉर व्हीटस्टोन्स नेटवर्क R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, अब उसको रिप्लेस करना है। R1 का मतलब कौन लिखा है मैंने, X, R2 का मतलब R, R3 का मतलब सिग्मा इंटू एल एक्स, सिग्मा इंटू एल एक्स, R4 का मतलब सिग्मा इंटू एल आर, सिग्मा सिग्मा कैंसल, यानी कि फॉर्मूला बन गया X इक्वल्स टू R इन ब्रैकेट एल एक्स अपॉन एल आर। By using this equation हम unknown resistance calculate कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे condition क्या है, देखो A से लेके C तक की total length कितनी है 100 centimeter, यानी कि हमें मालूम है कि LX plus LR ये 100 है, तो मैं LR को ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 minus LX। तो finally मुझे यहाँ पे X की value calculate करने के लिए relation मिलेगा R in bracket LX upon 100 minus LX हो गया। By using this expression we can calculate the unknown resistance by using Wheatstone's meter bridge। कौन सी मेथड? Wheatstone's meter bridge, ठीक है। तो बोर्ड पे ध्यान से देख लो एंड लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट, उससे पहले कमेंट करो क्लियर है सब, क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या? वन बाय वन कमेंट करो, चलो चलो कमेंट फास्ट। अवनी, आकांक्षा, सानिया, शुभम, सर्वेश, ऋतुजा, संस्कृति, प्रसाद, क्लियर है? आकांक्षा, आकांक्षा रह गई, आकांक्षा जगताप, रेणुका क्लियर है, आदित्य क्लियर, ऋतुजा नहीं कळाल, काय नहीं कळाल ऋतुजा तुला, संगराज तो इथे नेहमीच रडरड है, ठीक है आकांक्षा ऑल क्लियर। देखो सिंपल है, क्या है कि फॉर्मूला था लास्ट केस में, आकांक्षा जगताप है ओके ठीक है। क्या कंडीशन थी? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। मैंने यहां पे बोला कि R1 को रिप्लेस कौन कर रहा है, X, R2 को रिप्लेस कर रहा है R, इसलिए लिखा X बाय R, R3 की वैल्यू यहां पे लिखी है सिग्मा इंटू एल एक्स, आर फोर की वैल्यू यहां पे सिग्मा इंटू एल आर, सिग्मा सिग्मा कैंसल झालं, फक्त एल एक्स प्लस एल आर 100 होतं, तो एल आर रिप्लेस बाय 100 माइनस एल एक्स है, वही पुट किया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की है। संगराज, ऋतुजा, बहुत डिफिकल्ट होती है वो, एक बार देख लो, एंड ये अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फिर हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो क्या था ये? ये था मीटर ब्रिज, जिसका यूज क्या है, फिर से एक बार, यूज क्या है? टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, जो अननोन रेजिस्टेंस होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये व्हीटस्टोन्स का मीटर ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन का जो नेटवर्क है इनकी मेथड का यूज करेंगे। अगर व्हीटस्टोन्स का नेटवर्क दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला है R1 by R2 equals to R3 by R4, लेकिन अगर व्हीटस्टोन का मीटर ब्रिज दिया जाता है तो फॉर्मूला क्या है, X equals to R in bracket LX upon 100 minus LX हो गया। तो इस तरह से हम दोनों भी मेथड में अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स है जो मैं लिख के नहीं दूंगा, मॉड्यूल में ऑलरेडी है, आपको सुनने हैं, बाद में नोट्स बनाने, कि जब हम ये व्हीटस्टोन के मीटर ब्रिज की मेथड यूज करते हैं तो यहां पे कुछ एरर आ सकते हैं, पॉसिबल एरर।
पहला एरर ये है कि अगर एकादे एडेगा वाले ने एक्सपेरिमेंट किया और मीटर स्केल को एसी के नीचे प्लेस करने के बजाय थोड़ा इधर उधर किया तो क्या होगा, एलएक्सएलआर की वैल्यू चेंज हो जाएगी और आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ये पॉसिबल एरर है। दूसरा, ये वायर हमने अगर जो ली थी उसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो उसके लिए सिग्मा कॉन्स्टेंट नहीं होगी, एंड सिग्मा कॉन्स्टेंट नहीं है वहां पे तो क्या होगा, तो उस वायर के सिग्मा के ऊपर से जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे वो भी रॉन्ग हो जाएंगे। तीसरा, ये जो मेटल स्ट्रिप में वायर हमने फिक्स किया था यहाँ पे कार्बन रेजिस्टर डेवलप होते हैं, ठीक है, जहां पे वायर को मेटल से कनेक्ट किया जाता है तो वहां पे एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, पाउडर डेवलप होती है, उसकी वजह से वहां का रेजिस्टेंस हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो ये सारे एरर इस एक्सपेरिमेंट में आते हैं, ये आने नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं। कौन से प्रिकॉशन लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर स्केल को एग्जैक्टली एसी के बिलो प्लेस करेंगे। दूसरा, ये वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एकदम यूनिफॉर्म चाहिए। तीसरा, हम एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, फिर जो मीन एवरेज वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए पॉसिबल एरर्स एंड प्रिकॉशंस किसके, फॉर मीटर ब्रिज। अब ये मीटर ब्रिज तो हो गया, अभी इसका यूज करके अगर मुझे क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर कैलकुलेट करना है, बाकी डिवाइस का तो आ जाएगा लेकिन जो गैलोनोमीटर है उसका अगर अननोन रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम रहेगा, बस क्या करना पड़ेगा एडिशन में, क्या करना पड़ेगा कि ये एक्स था इसको निकाल के यहां पे गैलोनोमीटर लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, मुझे अगर गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो एक्स की जगह पे गैलोनोमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, मुझे दो दो गैलोनोमीटर खरीदने पड़ेंगे और ये गैलोनोमीटर बहुत ज्यादा कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है, बल्कि भी है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए ये बनता है डिसएडवांटेज किसका, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज का। कौन सा डिसएडवांटेज है कि अगर गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़े तो हमें दो दो गैलोनोमीटर लगेंगे, तो इस मेथड को, मतलब इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए केल्विन आता है, लॉर्ड केल्विन, और केल्विन सजेस्ट करता है इफेक्टिव मेथड जिसको बोला जाएगा केल्विनची मेथड, केल्विन्स मेथड, और ये केल्विन्स मेथड को अल्टरनेट वर्ड है इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। मतलब अभी देखो जो गैलोनोमीटर था इससे पहले वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता था, उसको बोला जाता था जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। अभी के केस में क्या होगा, इक्वल डिफ्लेक्शन होगा। क्या क्या चेंजेस है ध्यान से देखो बोर्ड पे, कुछ भी चेंजेस नहीं है, वन माइनर चेंज मैं यहाँ पे करने वाला हूं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ वायर ए सी जिसकी लेंथ 1 मीटर है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, बैटरी के बाद आती है प्लग की के, उसके बाद आता है रियोस्टैट आरएच, इस तरह से पूरा पार्ट पहले जैसा सिमिलर है। देन ए एंड सी को हम क्या करेंगे, 2 मेटल स्ट्रिप्स में फिक्स करेंगे, ए एंड सी को फिर से 2 मेटल स्ट्रिप में फिक्स करेंगे, कॉपर की मेटल स्ट्रिप होती है C1 एंड C2, इनके बिटवीन जो गैप है वहां पे भी एक मेटल स्ट्रिप आएगी C3। अब लेफ्ट साइड में जो गैप है वहां पे हम क्या करेंगे, गैलोनोमीटर रख देंगे क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एंड राइट गैप में आर आएगा नॉन रेजिस्टेंस। अगेन इस लेंथ एसी के पैरेलल में मीटर स्केल आएगी लेंथ मोजण्यासाठी, मीटर स्केल म्हणजे 1 मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे एक एडिशनल पार्ट होगा, ये बीच में जो गैलोनोमीटर हमने कनेक्ट किया था वो कनेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वायर कनेक्ट करेंगे। अब क्या होगा, देखो गैलोनोमीटर है ही नहीं बीच में, मतलब इसका और इसका, ये पॉइंट बी एंड पॉइंट डी का पोटेंशियल इक्वल हुआ, करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए केल्विन बोलता है कि इक्वल डिफ्लेक्शन देखना है। अब आगे के 2 मिनट एकदम ध्यान से सुनो, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के बाद क्या करना है, इस वायर को, प्लग की को, एसी को टच नहीं करना है, हवा में रखना है, और उसको हवा में रख के ये गैलोनोमीटर कितने डिविजन्स का डिफ्लेक्शन शो करता है वो रिकॉर्ड करना है। जैसे कि गैलोनोमीटर ने 10 डिविजन का डिफ्लेक्शन शो किया, ये नोट डाउन करने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे,
ये जो वायर थी बी से लेके डी तक आ रही थी, इसको ए से लेके सी तक वेरियस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अगर इसको कनेक्ट कर दिया तो करंट की वैल्यू फ्लो हो जाएगी, मतलब गैलोनी मीटर का डिफ्लेक्शन बदल जाएगा। लेकिन हमें एक पॉइंट डी ऐसे मिलेगा कि जहां पे गैलोनी मीटर अगेन इतनी ही डिविजन्स का डिफ्लेक्शन शो करेगा। यानी कि देखो कि अगर डी पॉइंट के ऊपर टच किया तो गैलोनी मीटर में से फ्लो होने वाला करंट चेंज नहीं हो रहा है। चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बी से लेके डी तक के वायर में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। करंट फ्लो हुआ ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बी का पोटेंशियल एंड डी का पोटेंशियल इक्वल होगा। अगर बी का पोटेंशियल एंड डी का पोटेंशियल इक्वल हो गया, मतलब नेटवर्क क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। नेटवर्क अगर बैलेंस्ड हो गया तो उसके लिए कंडीशन है आर वन अपॉन आर टू इक्वल्स टू आर थ्री अपॉन आर फोर। क्या है कंडीशन? आर वन अपॉन आर टू इक्वल्स टू आर थ्री अपॉन आर फोर। अब यहां पे फिर से R1 मतलब कौन है? जी। डायग्राम में देखो R1 मतलब कौन है? जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनीमीटर। R2 मतलब कौन है? R, नॉन रेजिस्टेंस। R3 मतलब कौन? सिग्मा इंटू एल जी। पहले इस लेंथ को x था इसलिए lx बोले थे, अब g है इसलिए lg बोल रहे। तो R3 बना सिग्मा इंटू एल जी और R4 बनेगा सिग्मा इंटू LR। ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? G अपॉन R इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एल जी अपॉन सिग्मा इंटू एल आर। सिग्मा सिग्मा कैंसल हो जाएगा, G बना R इन ब्रैकेट एल जी अपॉन एल आर। लेकिन टोटल लेंथ कितनी थी? 100 सेंटीमीटर थी। यानी कि एल जी प्लस एल आर अगर 100 था तो ये एल आर कितना होगा? ये होगा 100 माइनस एल जी। इसको अगर पुट करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा जी इक्वल्स टू आर इन ब्रैकेट ऑफ एल जी अपॉन 100 माइनस एल जी हो गया। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हम रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड का एडवांटेज क्या है? हमने दो गैलोनीमीटर यूज ही नहीं किए, मतलब केल्विन्स मेथड का एडवांटेज क्या होगा? वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनीमीटर बाय यूजिंग सिंगल गैलोनीमीटर ओनली। ये एडवांटेज है इसका। एंड डिसएडवांटेज क्या है? इट इज ओनली यूज्ड टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनीमीटर। ये बाकी के रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज ही नहीं होगी। कौन यूज होगा? इससे पहले की मीटर ब्रिज की मेथड। ठीक है, तो आज के लेक्चर का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ, देन व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज एंड केल्विन्स मेथड, ये पॉइंट डिस्कस किए। इनके ऊपर कंफर्म कंपलसरी हर बार एक क्वेश्चन आता है, मतलब आता है, और मैक्सिमम प्रोबेबली वो आता है इससे पहले के फॉर्मूले के ऊपर, x बाय r इक्वल्स टू lx बाय lr के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं मॉड्यूल के पेज नंबर बोल दूंगा अभी दो मिनट में, उसके साथ वर्कशीट भी आपको दूंगा ग्रुप पे, जिनको पॉसिबल है यहाँ पे प्रिंटआउट लेके जा सकते हो। लेकिन प्रिंटआउट के लिए आने से पहले बोलना पड़ेगा, फिर मैं प्रिंटआउट निकालूंगा। ठीक है, एंड आज के आज पूरा टास्क कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कल सेम टाइम 10:30 to 12:30 के बिटवीन मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसके ऊपर कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 to 3 क्वेश्चन, जिसको बोला जाता है डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें मैं पोटेंशियोमीटर, गैलोनीमीटर, एमीटर, साइक्लोट्रॉन सारे डिवाइसेस कंबाइनली पढ़ाने वाला हूँ, टेंजेंट गैलोनीमीटर, देन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। तो वो डिवाइसेस के ऊपर 2 क्वेश्चंस तो कंपलसरी आते हैं। तो रोज का जो कंटेंट हो रहा है उसको इवैल्यूएट करो कि आज इतना पढ़ लिया तो 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब 8 मार्क हो गए। तो 8 मार्क आने के लिए आपको मालूम है ब्लड इज रेड कितना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बार जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको अगर सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो एकदम से 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये आज करेंगे तभी होगा। ये अगर सोचेंगे कि नहीं आधे आज करते आधे कल करते तो फिर हो गया, अब होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 3-4 टॉपिक साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करने पड़ेंगे, सब इंटररिलेटेड है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहले 2 दिन का लेक्चर का कंटेंट कुछ नहीं था, सेम ही था। आज का कंटेंट वही चल रहा है स्टार्ट से, किरचॉफ किरचॉफ, व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन, यहाँ पे केल्विन आ गया, नया कुछ है ही नहीं इसको। इसलिए जो लेक्चर में लिखा है स्क्रीनशॉट लिए, इसको 2 बार ठीक से लिखो, समझ लो, समझने के बाद में मॉड्यूल में भी थ्योरी है उसको भी पढ़ो, एंड ये सब होने के बाद मॉड्यूल के सॉल्व क्वेश्चंस
एंड आज कौन सी कंसेप्ट एप्लीकेशन होगी मैं एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद जो वर्कशीट में सेंड करूंगा इनका सॉल्यूशन मुझे आज कंप्लीट चाहिए। ग्रुप पे मैं अटेंडेंस दे देता हूं तो बस 3-4 लोग है, बाकी लोग कुछ काम के नहीं है। आपको समझ में आएगा इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। एग्जाम के पहले फिर 2 महीने डाउट्स लेके आएंगे, तो जो अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उनको मैं भी रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, मेरे हाथ ऊपर हो जाएंगे बाद में, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। इसलिए जो टास्क जो टाइम में बोला जा रहा है उस टाइम में कंप्लीट करो। मैं नाइट में मॉर्निंग में मैसेज कर रहा हूं तो रिप्लाई आनी चाहिए, फिर मुझे समझ में आएगा कौन कितनी देर तक पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही सफिशियंट है सर। बट गैल्वेनोमीटर नहीं बेटा, गैल्वेनोमीटर सिर्फ काउंट करता, बट वो रेजिस्टेंस कैसे अप्लाई करेगा। ठीक है, मुझे कॉल व्हाट्सएप करो, उस पर बात करते हैं। आकांक्षा, थैंक यू।